अब हो गई है सबकी तैयारी? हम तो तैयार हैं, ये देखो ये कौन सा स्टाइल है। बच्चों का रिजल्ट लेके हम आ गए मेरे पास से। दोनों के अमालनामे। हाँ जी अमालनामे आपके अभी आ जाएगा अमालनामा। क्या देखो तुम्हारी आपी कितनी अच्छी होगी है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, आज है बिस्मा बीरा के स्कूल में इनका रिजल्ट और हम जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। ये इधर तैयारी हो रही है बिस्मा की और ये बाकी तीनों तैयार हो गई हुई हैं। अबीरा ये क्या कर रही हो? इतनी ज़्यादा और अब कितने गौर से उसको देख रही है। आपकी तैयारी हो गई है? तैयार हो? बस तैयार ही है, हमने क्या करना, मैं तो सिर्फ ये लगा थी। आज मजा आएगा, आज पता चलेगा क्या बनता है। अबीरा बिस्मा का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी तैयार श्यार होके जा रही हूँ। अबीरा बिस्मा का रिजल्ट लेके आऊंगी, मजा आएगा, देखते हैं। देखें क्या तीर मारा है। वैसे उम्मीद तो ये है कि अच्छा ही आया होगा हमेशा की तरह, लेकिन फिर भी वहां जाके ही पता चलेगा क्या किया। तैयारी तो अच्छी की थी वैसे इन्होंने पेपरों की, लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है। नई क्लासेस में जाती हैं कि इसी क्लास में रहती हैं? क्लास में तो कभी हमारे से किसी ने भी रिपीट नहीं की। हाँ जी नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है कि इनकी सबकी ही पोजीशंस आती हैं। अब देखें आज क्या बनता है। और ना ये मैंने पिंस निकाली थी, ये लगा लेना, जल्दी से कर लो अब तैयारी ताकि टाइम पे निकले और टाइम से घर वापस आए। उससे पहले तो मैं ही तैयार होगी। हूरब क्यों इतनी सीरियस बैठी हुई है? हूरब तो ऐसे सीरियस हुई बैठी है जैसे हूरब का रिजल्ट है। क्या हुआ है हूरब को आज? वो नेल्स भी उसी तरह खा रही है जिस तरह ये टेंशन में नहीं बैठा होता बंदा। नहीं असल में हूरब कह रही है कि मेरा भी एडमिशन करवा दो स्कूल में, मैंने आपियों के साथ स्कूल जाया करना है। यही बात है ना? नहीं करवाना, नहीं करवाना, अभी फिर आप ही बहुत बात करेगी जब ये स्कूल चली जाएगी। नहीं तो इसने स्कूल ही नहीं जाना अब। अभी नहीं जाएगी मेरी बहन, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना उसके बाद इसका। हाँ जी वो क्या है, कहाँ पे? नीचे नीचे तो आपकी डॉल पड़ी है आपकी। नहीं असल में कोई और मसला लग रहा है मुझे जो इतनी सीरियस है। वैसे ये इतनी सीरियस होके बैठती नहीं है कभी। अच्छा अभी रापी को गौर से देख रही थी इस वजह से सीरियस होके बैठी हुई थी। अब होगी है सबकी तैयारी? हम तो तैयार हैं, ये देखो ये कौन सा स्टाइल है। पिंस मैंने कहा था यहाँ करके लगाना आगे, ये फैशन है मम्मा, फैशन है माशाल्लाह। ये आगे लगाओ ना ताकि आंखों पे बाल कम आए। और जल्दी से कर लो अब, बाकी शूज वगैरह पहन लो, चलो फिर चले। बच्चों का रिजल्ट लेके हम आ गए मेरे पास से। दोनों के अमालनामे। हाँ जी अमालनामे आपके अभी आ जाएगा अमालनामा। हाँ जी नहीं मेरे तो अभी 3-4 माह है पेपर में, तो फिर उसके बाद तो आना ही है ना अमालनामा। अच्छा ही आएगा, लेखियां ज्यादा होनी चाहिए। और आते ही ये बिस्मा लेके बैठ गई अपना क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट जो वर्क तो मैं दिखाती जो मैंने परसों किया था जब टीचर की पार्टी थी। हाँ जी तो अबीरा तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी आज रिजल्ट इसका आया, इसकी आई आज फर्स्ट पोजीशन। बिस्मा हो रही थी थोड़ी डिसहार्ड क्योंकि बिस्मा की आई है फोर्थ पोजीशन और पता नहीं इस मरतबा क्या हुआ, वरना हमेशा ही बिस्मा की भी सेकंड या थर्ड तो आ जाती है पोजीशन, लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्यों फोर्थ पोजीशन आई है। कंफ्यूज हो रही थी पता नहीं कंफ्यूज हो रही थी थे। हाँ जी और जब मैं उसको साइंस वाले पेपर वाले दिन इसको मैं लेने गई हूँ, बैठी हुई क्लास में इतना ज़्यादा रो रही, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है। कह रही जी मेरे 3 क्वेश्चन रह गए हैं। मैंने टीचर से कहा है कि इसका पेपर देखें, ये कह रही है मेरे 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो टीचर ने इसका पेपर देखा है, वो कह रही नहीं वो तो उसमें थे जो ऑप्शंस में होते हैं क्वेश्चन, और ये इतनी पागल है इस रो रही बैठी हुई इतना ज़्यादा, इतनी ये कंफ्यूज हो गई थी इन पेपर्स में, पता नहीं इसके साथ हुआ क्या है। टीचर ने कहा था कि ना वो अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे ना, अगर आपका पहले वाला क्वेश्चन कोई गलत होगा तो उसमें से आप
हाँ जी। और ये देखें जी बिस्मा ने कितना प्यारा ये किया है, ये मम्मा मैंने बनाया। हाँ जी मैंने बनाया, बिस्मा की मेहनत है ये। हाँ जी मैंने खुद देखा था, ये रात बना रही थी बैठी हुई। तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया है, बच्चों को डिसहार्ड नहीं करना चाहिए इस मामले में। अगर पोजीशन ऊपर नीचे होती रहती हैं बच्चों की, तो इसको मैंने समझाया है कि नहीं नेक्स्ट टाइम आप मेहनत करना, आपकी भी पोजीशन आएगी। और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। बिस्मा में ये है कि ये क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा करती है। अबीरा में ये है कि अबीरा जो है ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त करती है। आर्ट वर्क अबीरा का बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत नीट ड्राइंग करती है और इतने प्यारे प्यारे ये स्केचेस बनाती है ना देख के। टीवी पे इसको सारा दिन यही है, ये बैठी हुई मुख्तलिफ वो स्केचेस देखती रहती है और उनको ड्रा करती रहती है। बहुत ज़बरदस्त इसकी ड्राइंग है। और आप अपना खुद बता दो जी। मुझे खुद नहीं पता। हाँ जी मैं बताती हूँ, इसके अंदर ये टैलेंट है कि इसको आईटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बी। हाँ जी, और मेरे चैनल का भी सारा काम यही करती है, उसके अलावा भी ये ऑनलाइन कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। अबीरा को फैशन डिजाइनिंग करवाएंगे, मजबूत पूरी हो जाएगी ना। हाँ जी खत्म हो जाएगी, सारे स्केचेस बना लूंगी फिर आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग। हाँ जी मैं तो कहती हूँ मम्मा अपने प्रैक्टिकल में अबीरा से करवा लेती, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नोटबुक अपनी वो लिया जिसपे वो क्या कहेंगे अब उसको डायग्राम जो थोड़ी थोड़ी स्केच हुई होती है, हमने सिर्फ उनकी ट्रेसिंग करनी होती है, वरना मैं इससे करवा लेती। हाँ ये तो कर देती, वो ये तो कर देती। और इतनी जबरदस्त करती ना, क्योंकि मुझे पता है इसके ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, बाकी सारी बहुत नीट ये करती है। और लगते ही नहीं इसके बनाए हुए स्केचेज ना कि किसी छोटी बच्ची ने बनाए हैं, इतने जबरदस्त बनाती है। मुझे ना वो हार्ट नहीं बनता, जौन सा ह्यूमन हार्ट रियल वाला होता है वो मुझे बिल्कुल। ये बना लेगी, मैं इसे बनवा लेना, बना दूंगी पक्का, प्रॉमिस। हमें असाइनमेंट मिली, मैंने यूट्यूब पूरा छाना, स्टेप बाय स्टेप कर करके मैंने इतनी मुश्किल से हार्ट बनाया था। नहीं ये बना लेती, अबीरा को कहती है ये बना लेती। ये वाला नहीं होता, हूरम पता नहीं क्यों आज इतनी सीरियस है, हूरम बड़ी चुप चुप है आज। खैर है हूरम, हूरम खैर तो है आज, तबीयत ठीक है आज। तो फिर बिस्मा बीरा की तरफ दावत बनती है। हाँ जी बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है सार। क्या देखो तुम्हारी आपी कितनी अच्छी हो गई है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई है, गिफ्ट देखो दे रही है। ये देखो मम्मा मैंने वहां से उठा के यहाँ तक इन्हें ला के दिया। हाँ जी देखो कितनी मेहनत की है उसने तुम लोगों को गिफ्ट देने पे। अब नई क्लासेस की तैयारी शुरू कर लो, नई बुक्स, नई क्लासेस। लेकिन मुँह यही होंगे सबके, बड़ी ऐश कर ली इतने दिन। आप भी लेके आए हो, आप क्या लेके? थैंक यू तो कह दो छोटी आपी को। और मामा जी तरफदारी तो बनेगी क्योंकि साल में एक दिन होना चाहिए ऐसा। हाँ जी ये लो जी बोल आ गई। अपने बड़े दिन में आपकी भी जरूरत है। बहुत दिन ऐश कर ली पेपर्स के बाद, तकरीबन 10 छुट्टियां थी ना, 11 एक दिन गिन गिन के गुजारा मैंने। हाँ तुमने तो ज्यादा ही गिन गिन के गुजारा। और खुद जब घर होती हो, मैं शाम को चली जाती हूँ ना एकेडमी। हाँ जी 10 से 11 दिन स्कूल से गुजार ली हैं, बड़ी ऐश कर ली है। अब नई क्लासेस स्टार्ट, नई बुक्स, अब दोबारा से मेहनत शुरू करो ताकि दोनों की दोबारा पोजीशन आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और घर का कोई सामान है वो भी ला के दे दो उनको गिफ्ट में, पुरानी चीजें उठा उठा के उनको बेचारियों को गिफ्ट दिए जा रहे। मेरा लैपटॉप भी मेरी तरफ से गिफ्ट मेरी बहनों को, पासवर्ड ही नहीं पता तुम लोगों को, तुम लोग करोगे क्या पकड़ के। यही करते हैं आज का व्लॉग खत्म। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मज़ीद इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।